नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आरजेडी के नेता श्याम रजक ने एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जदयू के 17 विधायक राजद के साथ है और बहुत जल्द राजद की सदस्यता बोलेंगे। अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अब नहीं है नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि यह बेबुनियाद बातें हैं और जदयू केवल भ्रम फैला रहा है। दरअसल नीतीश कुमार आज राजधानी वाटिका में विदेशी पक्षियों को देखने पहुंचे थे और इसी दौरान जब उनसे इस पर बयान लिया गया, उनसे पूछा गया कि जदयू लगातार आपको एक तरफ ऑफर भी दे रही है तो दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि आपके विधायक आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द जदयू के 17 विधायक आरजेडी में शामिल होंगे। इस पर नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि यह बेबुनियाद बातें हैं और इस पर ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं, ऐसी कोई बात। तो जैसा कि आपने अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि राजद का ऑफर बेबुनियाद है और राजद ने जो 17 विधायकों को टूटने की बात की है वो गलत है। आपको बता दें कि श्याम रजक ने हाल ही में कुछ एक दिन पहले यह बात कही थी कि जदयू के 17 विधायक जो हैं वो राजद के साथ हैं, राजद से उनकी बातचीत हो गई है लेकिन दल बदल कानून के वजह से वो फिलहाल राजद की सदस्यता नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही 28 या 29 विधायक जदयू के आरजेडी के साथ हो जाएंगे जरूर आरजेडी उनको अपनी सदस्यता दिलाएगी और उसके बाद बिहार में राजद सरकार बनाएगी। हालांकि उनके इस बयान के बाद से ही लगातार जदयू के कई नेताओं ने इस बयान को गलत बताया और कहा कि राजद केवल भ्रम फैला रही है, जदयू एकजुट है और जदयू में कोई टूट नहीं होगी। अभी नीतीश कुमार ने भी इस पर बयान दे दिया है। हालांकि जब उनसे यह भी सवाल किया गया कि उदय नारायण चौधरी ने जो आपको ऑफर दिया, ऑफर ये कि आप बन जाइए प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को बना दीजिए सीएम यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री, यह जब सवाल उनसे किया गया तो वो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए इस पर जवाब दिए बिना। हालांकि उनके नेता जो जदयू के दूसरे कई नेता हैं उन्होंने इस पर जरूर बहुत कुछ बोला है और सीधे सीधे कहा है कि राजद जो है केवल भ्रम फैला रही है और बिहार की राजनीति में गड़बड़ी करने की कोशिश है। बीजेपी के भी कई मंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि लालू के लाल बेरोजगार हो गए हैं तो उनके पास कोई काम बचा नहीं है तो करेंगे क्या, यही सब करेंगे। लेकिन फिलहाल उदय नारायण चौधरी के ऑफर वाले पीएम और सीएम के ऑफर पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं कहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह बयान दिया कि बेबुनियाद है, हालांकि ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर नहीं आ रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार जब इस तरह बयान देते हैं तो बहुत घटनाएं आगे चलकर घट जाती हैं, जैसे कि 2013 में जब उन्हें बीजेपी से अलग होना था तो वो इसी तरह से बयान देते नजर आए, फिर जब 2017 में उन्हें राजद से अलग होना था महागठबंधन से तो इसी तरह नानुकुर करते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक बार उन वो ऐसे ही बयान देते नजर आ रहे हैं, थोड़ा कमजोर बयान दे रहे हैं, ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। क्या कारण है, क्या बिहार की सियासत में कुछ नया होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार जब इस तरह से बयान दे और ज्यादा मजबूती से अपने बातों को ना रखे तो उनके इन बयानों के मायने कई सारे निकल जाते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और क्या सच में जदयू एकजुट है, नीतीश कुमार की इस बात में कितनी सच्चाई है ये आगे चलकर हमें पता लगेगी। बन रही है हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।